वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आप देख रहे हैं जनसत्ता, मैं हूं आपके साथ हंसिका सारडा। भारत ने साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज 3-0 से जीत ली। रांची में हुए आखिरी टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने मेहमान टीम को एक पारी और 202 रन से धूल चटाई है। विराट कोहली ने इस मैच में बतौर कप्तान कई नए रिकॉर्ड छुए। मैच के नतीजे और खासकर बॉलर्स के प्रदर्शन से कोच रवि शास्त्री बेहद खुश नजर आए। उन्होंने जोश में यहां तक कह दिया कि पिच भाड़ में जाए, उन्हें तो बस 20 विकेट चाहिए। टीम ने कौन से रिकॉर्ड्स बनाए इस मैच में और शास्त्री ने ऐसा बयान क्यों दे डाला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। रवि शास्त्री ने मैच खत्म होने के बाद कहा, हमारा प्लान 20 विकेट लेने का होता है, पिच चाहे जो हो, हमारी तरफ से भाड़ में जाए पिच। रवि शास्त्री ने अपने इस बयान के सपोर्ट में साथ ही ये कहा कि हमारी बल्लेबाजी काफी अच्छी है, कोहली, रोहित, चेतेश्वर पुजारा और मयंक अग्रवाल जैसे बल्लेबाज हमारे पास हैं। इनसे रन बनने के बाद अगर हम 20 विकेट ले लें तो फिर हमें रोक पाना आसान नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश 20 विकेट लेने की होती है, फिर चाहे वो कोई भी मैदान हो। इसी बीच रवि शास्त्री टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के प्रदर्शन से काफी खुश नजर आए। उन्होंने रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों की भी जमकर तारीफ की। कोच रवि शास्त्री रांची में खेले जा रहे इस टेस्ट के तीसरे दिन मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में सोते हुए नजर आए। इसके बाद तो यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि 10 करोड़ रुपए सालाना शास्त्री जी सोने के लिए लेते हैं, तो वहीं एक ने जबरदस्त मीम्स बनाकर लिखा कि जब बस में कंडक्टर टिकट की बात करता है तो शास्त्री ऐसे ही सोते हैं। वहीं एक ने शुभमन गिल की ओर इशारा करते हुए लिखा कि वो भी ये सोच रहा होगा कि ये पैसा कमाने की बेस्ट जॉब है। बता दें कि भारतीय कोच रवि शास्त्री की सैलरी अन्य टीमों के कोच की तुलना में सबसे ज्यादा है और वो सबसे महंगे कोच है। बहरहाल भारतीय टीम की इस कामयाबी से कोच रवि शास्त्री ही नहीं बल्कि क्रिकेट के फैंस भी काफी खुश हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टीम इंडिया को विश करें और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए जनसत्ता को सब्सक्राइब कर लें।